नमस्कार फ्रेंड्स, आसंतु किछि नुवा सिखिबा चैनल रे आपण समस्तनकु स्वागत जणौछि। मु सस्मिता, मो वीडियो भलो लागिले लाइक निश्चय कर देबे। मो चैनल को जदि नुवा करि देखु छथि ताहेले सब्सक्राइब करि बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबे, जहा द्वारा मोर प्रत्येक वीडियो आपनकु पाखरे प्रथमे पहुँच पारिबो। आपनकर समस्त फ्रेंड्स आ फैमिली रे मध्य शेयर कर देबे। हाँ, वीडियो भलो लागिले लाइक निश्चय कर देबे, कहीं आपणकर लाइक बटन समस्त वीडियो फॉरवर्ड होगापी हेल्प कर। वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखिबे। आई होप एटा भल लगे आपन को आउ यूजफुल भी लगे। मु कुआडे जीबी आउ आपण मानंकु सांगरे नेबिनी, एटा कोन आउ संभव? खाली मु नुहे, मोर पूरा परिवार जाउछु मानसिक निमन्ते मां बिलेसुणी पाखकु पूजा करबा पई। एई देखंतु आमे लेडीज माने ये गाड़ी रे बसीछु, आउ जेंट्स माने हांडी कड़ई धरिकी आउ गोटे गाड़ी रे आसुछंती। सेठी बणभोजी भी हबो ना, ताकु बणभोजी तो कहिबानी, मांकर भोग ही रंधा जीव, कारण माँ बिलई सुणी पीठरे छेली ओ कुकुडांकु बळी दिया जाए, आउ बळी पड़ी सारिबा परे से सबुकु सेठी ही रांधिकी खिया जाए। खाई सारिबा परे बळका खाद्य को सेठी ही ढाली दिया जाए थाए, किंतु घर को निया जाए नहीं। मान्यता अच्छी जे घर को नेले किछि ना किछि अनिष्ट घटी थाए, आउ अध्याय पड़िले माँ से दुख भी दूर करी थाए। चलंतु रास्ता तो अनेक अच्छी, आउ सबुआड़े एमती ही घंच साल जंगल, ता भितरे केते गुड़िए जगार महुल गछ, केन्दु गछ, बौल गछ, आहुरी केते कौन गछ अच्छी से सबुर नाम भी जाना नहीं मते। हाँ, रास्ता सारा बहुत सुंदर बासना होछि महुल फुलर, एटा चैत्र मास ना, महुल फुलर सीजन भी चलीछि। जंगल भितरे चुपचाप हेकी गले जम्मा भल लगिबनी, आपण मानंकु मांकर कहानी कही कही कि नेबी। माँ बिलई सुणी किए आउ ये पीठकु से केमिति आसिले? माँ आखपाख गोटे गाँव रे थिले, बाउरी जणे तांकु पूजा करूथिला। हठात दिने माँ बाउरीर स्वप्न रे आसिले, आउ कहिले मो पाई गोटे रथ निर्माण कर, मु से रथरे बसी तारिणी पीठ घट गाँ को जीवी, आउ सेठी ही पूजा पाइबी। कौन हेला तापरे माँकर कहानी? बाउरी कौन माँकर कथा मानिला ना नहीं, आग को जानिबा। एठी लेखा अच्छी माँ बिलई सुणी शक्तिपीठ कुटुरिया, ता माने फाइनली आमे कुटुरिया रे आसिकी पहुँचिलु। माँ बिलई सुणी शक्तिपीठ 3.6 किलोमीटर, बौद्ध गुंफा 4.1 किलोमीटर, बाबा कपिलेश्वर 2.2 किलोमीटर, माने बाबा कपिलेश्वर आमको आगे दर्शन देबे। आमे भी पहुँची गलु बाबा कपिलेश्वर पाखरे। खराटा जोर रे होउछि, हेले बहुत बढ़िया पवन बहुछि। संध्या टाइम रे ये मंदिर बेढ़ारे बसिबाकु बहुत भल लागिबो। एठी बाबांकर होमकुंड पाखरे पत्थर रे तयारी गोटिए त्रिशूलटे थुआ हेछि। पत्थरटा बहुत पुरुणा किंबदंती परि लागुछि, मते तो जणा नाही, भाबुचि बोधे ए जगारे त्रिशूलटा बाहरी थिबारु बाबांकर स्थापना करा जायछि बोधे। मंदिरटा नुआ तयारी हेछि, तयारी काम संपूर्ण भी हेइनि, काम आहुरी चालिछि। पूजारी बोध हुए पूजा सारी मंदिर बंद करी पळै जाउछंती। पाखरे कहारी को पाइलिनि ये मंदिर विषय रे किछि पचारी जानिबा पई, ता छोड़ा कौन भी जानिबी मु? महादेव को आज पर्यंत किए जापारी ना मु जानी, मु कौन भी बुझीबी तांकु? तांको इच्छा जोठी हबो से सेठी रहिबे। चलंतु आमे जीवा माँ बिलई सुणी पीठ को, आउ माँ को कहानी रु जानिबा माँ सेठी केमिति रहिले। माँ तो बाउरी को आदेश देथिले रथ तयारी करिबा पई, बाउरी मानिबनी भी केमिति? बाउरी तो माँ को दास, भगवान को आदेश भला भक्त केमिति न मानिब? निर्माण हेला गोटे सुंदर रथ, माँकर मनलाखी सजेई दियागला रथटी को, माँ को मध्य सजबाज करी बसई दियागला से रथ उपरे। सेते बेले रास्ता घाट किछि भी नथिला,
थिला केवल विशाल जंगल। बाउरी रास्ता कढ़े कढ़े माँ को नहीं चलला। माँ को कठोर निर्देश थिला जे तांको रथ को बाटरे कोठी भी रखिब ना। रथ जोठी रहीजिब माँ मध्य सेठारे ही रहीजिबे बोली बाउरी को निर्देश थिला। तापरे दैव दुर्योग कुहंतु बा माँ को माया ही कुहंतु एठारे ही भांगी गला माँ को रथ चका आउ अटकी गले माँ एठारे। तापरे गौड़ भाई माने मिसी माँ को एठारे स्थापना कले। आउ सेई दिन ठारु माँ ये जगार बिलेसुणी ना पूजा पाइले। ये जगा माँ बिलेसुणी शक्तिपीठ ना प्रसिद्ध हैला। एठारे ही बसी माता भक्तर सबु मानसिक पूरण करुछि। मानसिक ना किए कलश नड़िया बसौछि तो किए शंखा सिंदूर गुआ कौड़ी को नाली छिटरे माँ को बेढ़ारे बांधुची तो किए मानसिक करी माँ को माटी घोड़ा अर्पण करुची आउ बा किए गछरे सालुकोना बा बाना बांधुची। एसबु परे भी अनेक भक्त माँ को आगरे छेली और कुकुड़ार बलि चढ़ाउछंती। माँ को बारी भी केवल रविवार आउ सेथिपाई तांको भक्त माने बळी चढ़े से सबको रांधी खाइबा पई पसंद भी करुछंती। रविवार जेहेतु छुट्टी दिन भी स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद भक्त माने भी निर्द्वंद रे आसी पारुछंती आउ ये कौतूहलता तांको चेहरा रे भी नजर आसुछि। रविवार जेहेतु भीड़ भी प्रबल भीड़ जेते अधिक मात्रा रे सेते अधिक मात्रा रे बळी मध्य किछि समय पई टिकिए स्तब्ध हेली। भाबीबा पई बाध्य हेली माँ कण सतरे बळी चाहुछि। माँ कर आस्था और विश्वास उपरे कोनोसी प्रश्न नाही कि जुक्ति मध्य नाही। जो आस्था उपरे मो परिवार सहित मु निजे मध्य जोड़ा माँ को पीठरु बाहरी चलिलु बण आड़कु जोठी पूर्वरु प्रस्तुति करा जायथिला। सेठी टिकिए बसिकी विश्राम नेलु। बहुत गरम ओ गुळगुळी लागुछि सेथि पई मु ओआरएस पैकेट सांगरे नेकी आसिछि। आपण माने भी एमिति जागा को गले पाखरे ओआरएस पैकेट निश्चय रखिबे देहरु जळी अंश कमिबाकु देबनी। रोसेई तो बसिछि तापरे आमे चलिलु टिकिए मीना बजार बुलिबाकु। एठी दरकारी जिनिस सबु मिलुछि। बळी मांस को काटिकी बनै चुनै देबा पई एठी स्पेशल दुकान मान अछि। खाली सेतिकी नुहे रांधिबा पई तेल मसला दुकान मध्य अछि। रांधिकी बाढ़िबा पई टूल्स मान मध्य मिलुछि। पिलांको खेलना ठारु नैकी स्टेशनरी पर्यंत सबु मिलुछि ए मीना बजार रे। आमे लेडीज दल खूब बुलिलु आउ मन भरिकी तरभुज मध्य खाइलु। रोसेई तो डेरी अच्छी चालंतु एई भीतरे बौद्ध गुंफा को देखी आसिबा। कहुचंती एई गुंफाटा आपणा छाई तैयारी हेछि। गुंफाटा जेहेतु एकुटिया तो टिकिए डर निश्चय लागिबो आउ टिकिए बेसी डर लागिबो ऊपर को अनै देले कारण एते बड़ बड़ पत्थर माटी रे ही खंजी हेकी रहिछि। डर भी लागुछि केते बेले मुंड ऊपर खसी पड़िबो कि कोन। आपण माने भी आसिले छोटो पिला मानको गुंफा भीतर को केबे भी नेबेनी। एमिति भी ये गुंफा रे विशेष किछि नाही। सातटी मुनि ऋषिंकर मूर्ति
ଓ ମଝିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଛୁଆଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଡରିକି ଭିତରକୁ ଗଲେନି। ମୋ ପୁଅ ଚଢ଼ିଗଲା ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ଉପର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଚଟାଣ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ପଥର ପାଇଲି। ଆଉ ଏ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ପଥର, ଗୁମ୍ଫା ବାହାରର ପଥର ଆଉ ଏ ଏରିଆର ପଥର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଇଏ ପଥର ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଆଉ ଏ ଯାଏଁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁଜଫୁଲ ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ଆମ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 4। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନସାନ, ମାଙ୍କ ପୀଠ ବି ସୁନସାନ। କେବଳ ରବିବାର ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଉ ବର୍ଷରେ 3 ଧର୍ମ ମାସରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଶାଖ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ମାଘ ମାସ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠି, କାରଣ ନନଭେଜ ଓ ବଣଭୋଜି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କ ପୀଠର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ କହିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କ ପୀଠର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆପଣ ବଳି ପକେଇକି ତାକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଖୋଲା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛେଳିଟିକୁ, ତା ବେକରେ ନାଲି କନା ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫେରିଲୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଫେରିଲୁ। ଆମ ଫେରିବା ବାଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଟି ଘର ଦେଖିଲୁ, ସହରର କୋଠା ଘର ଠାରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଲାଇଟ୍ର ଚକମକ ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କଳା ମାଟି, ନାଲି ମାଟି ଓ ଚୁନରେ ଲିପା ମାଟି କାନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ମାନସିକ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଶେଷ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ସାରି ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଥରକୁ କଣ କଲି। ସାଧାରଣତଃ ପଥର ଗୁଡାକ ଘୋରି ହେଇକି ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଇଏ ପଥରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଲକା ବଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆଉ ବହୁତ ରଫ୍, ଆଉ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଗ୍ଲିଟର୍ ପଡିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ପଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ଘୋରି ହେଲେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ରଫ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପଥରକୁ ହତିଆର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାର ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ମାର୍ବଲ ପିସେସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହତିଆରର ମୁନରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ମାର୍ବଲ ବହୁତ ସାର୍ପ ଥାଏ, ବହୁତ ଟାଣୁଆ ମଧ୍ୟ, ଓ ହତିଆରକୁ ମୁନିଆ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏସବୁ ମୁଁ କହୁନି, ଏସବୁ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ କହୁଛି। ଇଏ ପଥର ସେ ଏରିଆର କୋଉ ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କରୁନି, ଏଇଟା ଜାଗେ ଜାଗେ କୋଉଠି କେମିତି ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ହତିଆର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଇ ରଫ୍ ପଥରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାମରେ ଲଗେଇବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠି ଘଷିବି। ମାର୍କେଟରୁ ପଥର ଆଣିଲେ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଥର ମୋ ଲାଇଫ୍ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ବି ଯୋଉଠୁ ଏମିତି ରଫ୍ ପଥର ପାଇବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ ଓ ଗୋଇଠି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜାଗାର ସ୍ମୃତି ଖାଲି ଫଟୋରେ ରହିବନି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍।